सिक्स, ओके 26. तो क्वेश्चन नंबर वन में डाउट, वन टू सेकेंड में, सेकेंड. तो आफ्टर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, नाम से ही पता लगता है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब दो बॉल्स की टक्कर होगी और दोनों आपस में चिपकने वाली हैं, चिपक जाएंगी. मूविंग विथ सेम स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन, स्पीड ऑफ ईच बिकम्स हाफ द इनिशियल स्पीड आफ्टर कोलिजन. तो एंगल बिफोर कोलिजन क्या है, ये क्वेश्चन में आपको बताना है. देखो, हमने लास्ट टाइम ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन किया था. हमने क्वेश्चन ऐसा किया था कि इमेजिन करो एक बॉल जा रही है विद अ मोमेंटम ऑफ एम वी और एक बॉल जा रही है विद अ मोमेंटम ऑफ एम वी और दोनों कितने एंगल पर जा रही हैं, थीटा. ये मुझे निकालना है. रादर मुझे ऐसे बोलना चाहिए, एक बॉल आ रही है विद एम वी, एक बॉल यहाँ से आ रही है एम वी और ये आपस में मिल जाते हैं और टोटल मास क्या हो जाता है, 2m. तो ये इनिशियल मोमेंटम है दोनों के, टक्कर हो गई, टक्कर होके दे स्टिक टुगेदर एंड मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी. और कॉमन वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, v/2. ठीक है, उसमें बोला कि टक्कर के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है. तो आपको ये बताना है कि एंगल क्या है. देखो, क्योंकि ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है. इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ एम वी का स्क्वायर प्लस एम वी का स्क्वायर प्लस टू एम वी इंटू कॉस ऑफ थीटा. इस बार ये 90 पे नहीं है, हमने जबकि लास्ट टाइम इन इलास्टिक कोलिजन 2D में 90 पे किया था, इस बार 90 नहीं है. तो कॉस थीटा ले लिया इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कितना है, 2m इंटू v/2. तो 2m इंटू v/2 ऐसे है. तो यहां से स्क्वेयरिंग करें, सॉल्व करें, सॉल्व करके cos थीटा की वैल्यू माइनस हाफ आएगी, तो थीटा की वैल्यू इसका मतलब कितनी आएगी, 120. कॉमन वेलोसिटी उसने बोला, ईच ऑफ द बॉल हैज अ वेलोसिटी v/2. टक्कर के बाद अगर वो परफेक्टली इन इलास्टिक है और वो चिपकने वाले हैं तो हर बॉल की वेलोसिटी v/2, कॉमन वेलोसिटी v/2, इसका मतलब यही हुआ. हो गया था ये क्वेश्चन सॉल्व, कितनों का हो गया था, ये हो गया था. ठीक है, तो आप रिलेट कर पा रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D को कैसे करना है, राइट. तो ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक है. नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3. कितनों का हो गया डाउट है. देखो, 3 में डाउट है, डिस्कस करने वाला है. थर्ड क्वेश्चन में ये गिवन है, एक ना हॉरिजॉन्टल ग्रूव है टेबल के ऊपर, एक ग्रूव है और दो बॉल्स हैं. एक बॉल कौन है, एक बॉल पी है और एक बॉल क्यू है. अब वो कह रहे हैं कि पी इज प्रोजेक्टेड अलोंग द ग्रूव एंड एट द एंड ऑफ द टाइम टी इट इंपिंजेस ऑन क्यू. तो ये पी चलती है और क्यू को टक्कर मारती है, क्यू रेस्ट पे पड़ी हुई है, क्यू को टक्कर लगती है. अगर ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इसका मतलब टक्कर में एनर्जी लॉस तो है, तो एनर्जी लॉस है, इसका मतलब रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है. आपको बताना है कि सेकेंड और ये इसे कितनी देर में टक्कर मारती है इन टाइम टी. तो ये डिस्टेंस ट्रेवल टी है. आपको बताना है कि अब पी जब क्यू को टक्कर मारेगी, फिर क्यू चल पड़ेगी, क्यू घूम के वापस आएगी, पी को टक्कर मारेगी. तो आपको ये बताना है कि जो शॉर्टेस्ट टाइम है, शॉर्टेस्ट टाइम जिसमें अगला इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा. तो आपको क्या बताना है, कम से कम टाइम जिसमें अगली टक्कर होने वाली है. अब तक अगली टक्कर कैसे होगी, जब पी पहले क्यू को टक्कर मारेगी, फिर क्यू चलेगी, फिर वापस पी को टक्कर मारेगी, तो वो जो टाइम होगा वो शॉर्टेस्ट टाइम आपको निकालना है. ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले एक पॉइंट को समझते हैं. इस क्वेश्चन को करने के लिए इमेजिन करो, ये आपके पास ये फिगर है जिसमें ये बॉल यहां से चली और यहां पे पहुंच गई. यहां से यहां पहुंचने में अगर रेडियस आर है तो टाइम टेकन टी है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम टेकन भी गिवन है, टी स्मॉल टी टाइम गिवन है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, पाई आर है. जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो पाई आर है. और कितने समय में, टी समय में. तो स्पीड की वैल्यू आ गई, कितनी स्पीड से पी ने क्यू को टक्कर मारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके मैंने पहले स्पीड निकाल दी. तो पहला स्टेप क्लियर है. अब मेरे को यह पता है कि जब P यहां से चलेगी और P यहां पे आएगी तो P इसे टक्कर मारने वाली है, राइट. और P इसे टक्कर मारेगी विद अ स्पीड ऑफ कितना, पाई आर डिवाइडेड बाय टी. और इसकी स्पीड को हमने किससे लिख लिया, यू वन.
सेकेंड बॉल यू क्यू किस पे पड़ी हुई है, रेस्ट पे, तो यू टू क्या मार्क करेंगे, जीरो। टक्कर से पहले वेलोसिटी दोनों की पता है, यू वन एंड यू टू, कोई डाउट इसमें। कोलिजन के बाद इमेजिन करो पी की स्पीड हो जाती है वी वन और क्यू की स्पीड हो जाती है वी टू, जो क्यू है उसकी स्पीड क्या हो जाती है वी टू। टक्कर से पहले यू वन यू टू, टक्कर के बाद वी वन वी टू। रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू, यू टू तो इसमें जीरो है, तो वी टू माइनस वी वन की वैल्यू क्या आ गई, ई इंटू यू वन, या वी टू माइनस वी वन की वैल्यू आ गई ई इंटू यू वन। यू वन का मतलब क्या है यहाँ पर, पाई आर बाय टी। तो ये मेरे पास इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी, क्लियर है यहाँ तक। तो मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गई जिससे कि आगे मूवमेंट होने वाली है। मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बातें क्यों करना शुरू कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब टक्कर के बाद इमेजिन करो दोनों मूव करेंगी, और इमेजिन करो जब दोनों मूव कर रही हैं तो क्यू को पी को एक टाइम पे ओवरटेक करना है। ओवरटेक करने का मतलब उसे कैच करने का मतलब ओवरटेक करना, तो उसे कैच करना है। और याद करो मोशन का चैप्टर, जब हम ये कैचिंग वाली प्रॉब्लम किया करते थे कि पी ने क्यू को कैच किया, तो हम ये मानते थे कि पी रेस्ट पे कर ले, और पी रेस्ट पे करने का मतलब टेकिंग रिलेटिव वेलोसिटी। वी टू क्यू की वेलोसिटी है और वी वन का मतलब पी की वेलोसिटी है, और जब वी टू में से वी वन को माइनस किया जा रहा है तो एज्यूम किया जा रहा है कि पी वन इज लाइंग एट रेस्ट। तो अगला टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम जो होगा, जो शॉर्टेस्ट टाइम मुझे निकालना है, अगला टाइम जिससे कि ये फिर से टक्कर मारेंगे, तो कम से कम डिस्टेंस एक चक्कर तो पूरा करना ही पड़ेगा, कम से कम, क्योंकि शॉर्टेस्ट टाइम तब आएगा जब डिस्टेंस मिनिमम होगा, और मिनिमम डिस्टेंस 2 पाई आर तो कम से कम है ही, उससे ज़्यादा हो जाए मैं कह नहीं सकता, डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई ई इन टू पाई आर बाई टी, पाई से पाई कैंसल, आर से आर कैंसल, तो चेक करना इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, टू टी बाय ई, यही ऑप्शन यही है, तो ऐसा आंसर आएगा। अब यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों को, देखो रिलेटिव वेलोसिटी जिसको आती है उसको बात समझ में आ रही है कि मिनिमम। अब ये एक और चीज, कोई कहता है आपने डिस्टेंस 2 पाई आर क्यों लिया, चलो ये तो बात समझ में आती है कि रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। मैंने इसलिए लिया क्योंकि टाइम शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई आर। अब कोई कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे हुआ 2 पाई आर, ये तो वही केस हो गया, पी ने क्यू को टक्कर मारी और क्यू को कान में कह दिया, या क्यू ने पी को कान में कहा कि तू यहीं रुक, बस मैं अभी आया, देखो ये शॉर्टेस्ट टाइम होगा। तो यानी कि ये बिल्कुल स्लो वेलोसिटी से मूव करने वाला है और क्यू फटाफट से आके एक चक्कर पूरा करके इसको क्या करेगा, ओवरटेक कर देगा। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें। तो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर 2 पाई आर है क्योंकि आप ई को आर को और टी को तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे इसमें। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश इज ई स्क्वायर इनटू ओमेगा, ये फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ई टाइम होता है, ई स्क्वायर नहीं होता ना, तुमने ई स्क्वायर लगा दिया, ई स्क्वायर नहीं होगा। और वैसे भी हाँ आप कर सकते हो, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन सही नहीं है। दूसरी चीज़ देखो, टक्कर वी के साथ हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी सेंटर के ऊपर मार्क की जाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन चलने वाला है नहीं, मैंने देखा नहीं यूज़ करता हुआ ऐसा। मैंने वी के साथ तो देखा, मैंने ओमेगा के साथ ही देखा, क्योंकि मैं रेस्टिट्यूशन ओमेगा के साथ कैसे लगाऊंगा, है ना, लगा सकते हैं वी इक्वल टू आर ओमेगा करके कर सकते हैं, बट वैसे मैंने नॉर्मली लोगों को देखा नहीं है, मैंने नॉर्मली वी के साथ ही यूज़ करता हुआ देखा है कॉन्सेप्ट को। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक अलग सा क्वेश्चन है थोड़ा, तो ये चलो डिस्कस हो गया। थ्री थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर फोर किया हुआ है हमने, फाइव क्वेश्चन में हमने लास्ट टाइम किया था, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D, याद करो इन इलास्टिक वो वॉल के ऊपर था, बस एक काम करो इस डायग्राम को ऐसे पलट दो
तो ये वॉल बन जाएगी, तो आंसर ये सी ऑप्शन चेक करो। लास्ट टाइम एक ही क्वेश्चन करवाया था मैंने, रेस्टिट्यूशन को कैसे यूज करना है। डी ऑप्शन तो मैंने करवाया था, ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि हमने थीटा वन थीटा टू पे वेलोसिटीज निकाली थी, ये सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स किया हुआ है ये भी, सेवन्थ दो मिनट बाद करेंगे, जब दो मिनट रुको, सेवन्थ के बारे में क्या करना है भी बताता हूँ। और क्वेश्चन इस शीट के अंदर, नेक्स्ट शीट के अंदर चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर वन और टू में डाउट हो गए थे, वन एंड टू, थ्री हो गया, थ्री भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट, ये क्या हुआ है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या हुआ है, ई इज टू पावर फोर, ये सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे कैसे, ये कौन सी कोलिजन है, कह रहे अब इस एम ने इस एम को हिट किया, इस एम ने इस एम को हिट किया, कोलिजन इलास्टिकली है, कोई लॉस नहीं, रेस्टिट्यूशन नहीं है, ई वन है तो एनर्जी लॉस नहीं है। अब मास आइडेंटिकल है, जिस वेलोसिटी से वी आएगी और ये रेस्ट पे है, टक्कर के बाद ये वी से मूव करेगा और ये जीरो पे हो जाएगा। तो अब अगला कितने समय में कोलिजन होगी, टू पाई आर अपॉन वी आंसर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि क्योंकि इस केस में एक मास तो रेस्ट पे रहने वाला और दूसरा घूम के टक्कर मारेगा, तो इसमें तो रिलेटिव वेलोसिटी लेने की जरूरत भी नहीं है। आप सही है यहाँ तक। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें ये तो हो गया, नेक्स्ट सेवन और एट में डाउट जिन्होंने किया, क्वेश्चन नंबर नाइन टेन में डाउट, क्वेश्चन नंबर लास्ट इसमें डाउट, सही है ठीक है। इस शीट के बाद शीट नंबर ट्वेंटी एट शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर वन और टू में डाउट, टू तो वही 120 वाला जो भी क्वेश्चन पूछा सेम है, वन एंड टू, थ्री और फोर में डाउट, फाइव और सिक्स, थर्ड बॉल सिक्स क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन नंबर सर सिक्स ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ बॉल ऑफ मास एम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ वी मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन विद आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। तो एक बॉल ने दूसरी बॉल को हिट किया और दूसरी बॉल रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ऑफ द बॉल्स इज थ्री फोर द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कोफिशिएंट। ये तो हमने किया था क्लास में, जो बड़ी सी इक्वेशन थी आपने कहा था एक और मेथड है मेरे पास, मैंने वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके दिखाया था, एक लंबा सा क्वेश्चन ही करवाया था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, इतना बड़ा मैथ्स करके दिखाया था। कॉपी खोलो, एक इक्वेशन की थी ना याद आ रहा है, जिसमें एक मैंने फॉर्मूला यूज किया था, वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर इज वी वन प्लस वी टू का होल स्क्वायर माइनस फोर वी वन वी टू, हाँ वी वन प्लस वी टू ढूंढा था मैंने उसमें, आपने कहा था थोड़ा लंबा मेथड है इसका, ऐसे कैसे होगा, किया था ये वही क्वेश्चन, मैं यही करवाया था, सेम करवाया था ठीक है। चेक कर लो, मिल गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर फाइव सिक्स में से, सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स ओके सी। देखो जितने सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटोन न्यूट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल्स गैस के एटम, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सब इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में आते हैं। जितने एग्जांपल आप प्रैक्टिकली रोज देखते हैं एक भी इलास्टिक नहीं है, तुम्हारे पास कोई एक एग्जांपल नहीं मिलेगा डेली रूटीन में जहां पर तुम एग्जांपल दे सको कि कोलिजन इलास्टिक है, सारी कोलिजन दुनिया में इन इलास्टिक है। तो फिर ये दुनियादारी दिखा रहा है, मैन जंपिंग इनटू अ कार, ये तो दुनिया की कहानी है, तो ये इलास्टिक ही होगी। और ये प्रोटो न्यूट्रॉन अल्फा छोटी छोटी जो चीज़ें दिख नहीं रही ये सब इलास्टिक है, बात ही खत्म हो गई। हाँ पर है तो ये इन इलास्टिक की कैटेगरी, परफेक्टली इन इलास्टिक भी कैटेगरी ऑफ इन इलास्टिक की है, सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स फिर से, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूक्लियस इनकी कोलिजन सारी की सारी इलास्टिक की नेचर होती है, तो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से इलास्टिक है, कोलिजन ऑफ आइडल गैस गैस के मॉलिक्यूल सारे इलास्टिक हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोटॉन के साथ इलास्टिक है। ये मैन वाला बंदा जो मैन की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल करोगे तुम जंप करोगे तो इन इलास्टिक ही करोगे, तुम इलास्टिक कब से करने लग गए,
तो जितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सब इनलास्टिक है। देखो रेजिस्टेंस से एयर की रेजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ता, टक्कर के टाइम क्या होने हैं वो डिपेंड करता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल ही इलास्टिक है, जितना छोटा पार्टिकल है मासलेस कैटेगरी में वही बहुत छोटा मास पे ही इलास्टिक है, उसमें क्या ही एनर्जी लॉस लेंगे, बड़े मास से तो एनर्जी लॉस होती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 9, स्फेयर जिसका मास एम, ये हमने किया था क्लास में, वी वन वी टू की रेशियो चेक करो अपना, इन इलास्टिक कोलिजन कर। अच्छा, तो मैंने ये बताया था एक स्फेयर है जिसकी वेलोसिटी वी है, तो आप एक बार हेडिंग चेक करो इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D, उसको एक एग्जांपल दिया था मैंने जिसमें मैंने ये बताया था कि एक मास है, एक मास वी के साथ मूव कर रहा है और सेकेंड मास किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। ऐसे आफ्टर कोलिजन मैंने क्या बताया था, इसकी वेलोसिटी V1 है और इसकी वेलोसिटी V2 है, ऐसे, और रेस्टिट्यूशन E है। पहली इक्वेशन मैंने बनाई थी मोमेंटम कंजर्वेशन, ऐसे ये लो। तो पहली इक्वेशन क्या है, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्या बनाई थी, V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2, और U2 को क्या पुट किया था, 0। तो V2 माइनस V1 क्या आया था, E इंटू U, इक्वेशन नंबर 2। इन्हें सॉल्व करके V1 V2 निकाल लेना, रेशियो निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है इन दोनों को, तो आंसर E की फॉर्म में आएगा। ठीक है यहाँ तक, तो ये क्वेश्चन हो गया 9th। क्वेश्चन नंबर 10th और 11th में कोई, 10th 11th और 12th 13, 13 13 कितने का हो गया 13, आप पहचान नहीं पाए इस क्वेश्चन को। एक बुलेट है जिसका मास m है और बुलेट की वेलोसिटी निकालनी है, एक हैंग कर रखा है मास कैपिटल m, बुलेट इसके अंदर आ जाएगा, फिर ये दोनों के दोनों इकट्ठे मूव करेंगे विद अ कॉमन वेलोसिटी और कोई हाइट अटेन करेंगे, तो हाइट अटेन करेंगे सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। इस पॉइंट पर यही रूल लगता था ना, और यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू वो कह रहे हैं एच हाइट अटेन हो गई, तो पोटेंशियल क्या हो गया, एम प्लस एम इंटू जी इंटू एच, और काइनेटिक क्या हो गई, 0। अब यहाँ से क्या निकलेगा, एम इंटू यू बुलेट का मोमेंटम प्लस ब्लॉक का मोमेंटम, एम प्लस एम इंटू कॉमन वेलोसिटी, तो आप यहाँ से कॉमन वेलोसिटी निकाल लेना, एम यू डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, और इस कॉमन वेलोसिटी को यहाँ पुट कर लेना, यू निकालना है आपको क्वेश्चन में, यू निकाल लेना, होल रूट आ रहा है, आ रहा है अंडर रूट के अंदर आ रहा है कुछ, क्या नहीं, फिर चेक कर लेना यार एक बार, मैं कह नहीं सकता, आ रहा है आप लोगों, आंसर आ रहा है इसका, ठीक है फिर, आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, आ रहा होगा।